नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खुशहाल्स होम गार्डनिंग में। और आज सभी को मैं चाइना पाम की लगाने की विधि बताऊंगा, किस तरीके से इसकी सोइल तैयार करनी है। और चाइना पाम ही नहीं, इसके अलावा आप जितने भी पाम अपने पाम ट्रीज होते हैं, आप उसको भी इसी की तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने ये अपने कुछ गार्डन की सॉइल ली है ये, और ये हमने खाद ली है, ये गाय के गोबर की खाद है, और ये हमने रिवर सैंड लिया है। दोस्तों ये जो रिवर सैंड है, ये वो वाला रिवर सैंड नहीं है जो आपका ऑरेंज कलर का टाइप का होता है, ये एक तरीके का गंगा जी यमुना जी में निकलता है, ये बालू रेत जैसे समुद्र के आसपास पाया जाता है। बट समुद्र में रेत जो होता है वो खारा होता है, ये मीठे पानी का रेत है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, यह वीडियो मैं खुद ही शूट करता हूँ, तो इस वजह से मैं इसमें इवन एक ही हैंड का यूज़ करूँगा। तो आप इसमें देखिए ज़रा किस तरह से इसको अपना मिक्स करना है, इसको ढंग से मिक्स करना है बिल्कुल इस तरीके से। दोस्तों बताना चाहूँगा, जो मैंने गार्डन सोइल का यूज़ किया है, इसमें 40% मैंने गार्डन सोइल का यूज़ किया है और 40% ही मैंने खाद का यूज़ किया है, ठीक है। और अपना 20% मैंने इसमें रेत का यूज़ किया है, ये इस तरीके से मिक्स करना है। ये इसमें सफाई भी करनी ज़रूरी है। पत्तियाँ दोस्तों इसमें थोड़ी सी मैंने मिक्स कर दी थी अपनी, थोड़ी सी गार्डन की पत्तियाँ अच्छी रहती हैं, सूखी पत्तियाँ हैं ये देखिए इस तरीके से। इसको थोड़ा हल्की मिट्टी बनाना है दोस्तों। रेत का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रेत होता है वो पानी को एक तरीके से, मतलब आपकी मिट्टी में नमी बना के रखेगा, हमेशा मॉइस्चराइज़र बना के रखेगा। और हमको हमेशा ड्रेन मिट्टी ही लेनी चाहिए, जो एक तरीके से पानी डालते ही नीचे की तरफ चली जाए, ठहरे ना। इस तरीके से भी ढंग से इसको मिक्स कर लेना है। ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है दोस्तों, ये सही से हमारी मिक्स हो चुकी है। और दोस्तों गाय के गोबर का जो खाद जो लेनी है आपको, हो सके तो कम से कम एक साल पुरानी तो हम लेंगे ही, और क्योंकि इतना तो हमें पुराना चाहिए खाद इसका इसके लिए। नहीं तो होता क्या है, लोगों की मिट्टी में दीमक लग जाती है या मिट्टी ख़राब हो जाती है या फंगस लग जाता है। ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है, ये देखिए। इसमें हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करने वाले हैं दोस्तों, ये विदाउट केमिकल फर्टिलाइज़र की मिट्टी तैयार होगी हमारी, देखते रहिए आप। ये तैयार हो चुकी है हमारी मिट्टी। अब ये अपना चाइना पाम ट्री इसको निकाल लेंगे प्लांट। देखिए दोस्तों मैंने इसकी पॉलीथीन हटा ली है पहले ही, और ये कुछ जगह लगी हुई है तो इसको भी हटा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको साफ़ कर देना है, ये देखिए ये घास भी साफ़ कर देनी है। ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स हैं इसकी, इस तरीके से ये हमारे चाइना पाम ट्री को रखते हैं साइड में। देखिए दोस्तों मैंने इस पॉट के अंदर दो होल किए हैं, दो होल करने का मेन कारण ये है, लोग काफ़ी लोग ज़्यादा भी करते हैं, बट मेरे जो दो होल हैं ये मैंने काफ़ी बड़े बड़े किए हैं, तो ईज़िली इसमें से पानी रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। और ये जो पॉट है मेरा,
10 इंची 12 इंची का पॉट है, तो वैसे तो 12 इंची का पॉट है, आप 10 इंची के पॉट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं चाइना पाम ट्री को। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हम कुछ ये आपके गत्ते टाइप के डालने होंगे, ये खुद ही आप इसको काट के फाड़ के डाल सकते हैं जिससे कि आपके होल बंद हो जाए। इसके बाद हम ये देखिए, मैंने कुछ अपनी ये गार्डन से सूखी पत्तियां घास निकाल ली थी, ये इसका बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप कभी अपने सॉइल को फर्टिलाइज़र देना भूल जाएँ, जैसे कोई किसी भी तरीके का, तो ये जो घास सूखी पत्तियां होती हैं यही इसका खाना बन जाती हैं सॉइल का, और यही एक तरीके से खाद बन के इनको पोषण देती हैं, तो इसलिए मैं इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब इस तरीके से इसमें हमको अपना सॉइल डालना होगा, इसे सॉइल रखना है इसके अंदर। ये देखिए अभी हमारी एक बिल्कुल हल्की मिट्टी सॉइल तैयार हो गई है, ये देखिए इस तरीके से हमें इसके अंदर सॉइल रखनी है। और अब ये हमारा आधे इसमें आ चुके हैं हम गमले में, तो इसमें हमें अपना चाइना पाम रखना होगा, इसको इस तरीके से खड़ा करना होगा। तो इसको देख लीजिए एक बार कि आपका सही से खड़ा है या नहीं है, इसमें आपका चाइना पाम ट्री जो है आपने जो ये लगाया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, साइडों से सॉइल भरेंगे इसके अंदर इस तरीके से, जो इसकी जड़ें हैं वो हमें बंद करनी है। इस तरीके से ये दोस्तों काफ़ी अच्छी सॉइल तैयार हुई है हमारे चाइना पाम ट्री की, ये देखिए। मिट्टी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि मिट्टी जब हम पानी देंगे वाटर की वाटरिंग करेंगे तो ये नीचे की तरफ बैठ जाती है, तो हमको थोड़ा ऊपर तक थोड़ा डालना है। जैसे कि बैठे तब ये तब भी लेवल पर ही आ जाए। ये देखिए ये हमारा हो गया है सॉइल तैयार। सॉइल तैयार होने के बाद आपका जो पौधा है चाइना पाम ट्री वो इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। अब ये सूखी पत्तियां जो ऊपर आ चुकी हैं इनको निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए इसमें मैंने जो ये सॉइल है ऊपर तक नहीं डाली है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमें वाटरिंग का भी इसमें ध्यान रखना होता है, इसमें ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम सर्दियों का विंटर का टाइम है तो इसमें हमें हफ्ते में एक या दो बार बस वाटर करना है, वाटरिंग देनी है। अभी मिट्टी इसमें गीली है, फिर भी हम थोड़ा सा पानी इसको देंगे क्योंकि अभी हमने इसकी बड़े गमले में लेकर आए हैं, इस तरीके से हमें पानी देना है थोड़ा सा। ये देखिए अपना मैंने पानी दे दिया है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप अपना किसी भी तरीके का जो पाम ट्री है वो आप तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, मैं इसको मात्र 50 रुपीज़ में लेके आ गया हूँ, 50 रुपये में मैं इसको लेके आया था कल अपनी नर्सरी से यहाँ से, और काफ़ी सस्ता चाइना पाम ट्री मिल गया मुझे। ये देखिए, ये अब बताना चाहूँगा इस पौधे के बारे में, कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों देखिए जो चाइना पाम है
इसको आप इंडोर भी लगा सकते हैं या आउटडोर भी लगा सकते हैं। दूसरा, इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो डायरेक्ट सनलाइट में हमको ये नहीं रखना है। अभी इसमें हमको छांव में रखेंगे, मतलब फ़िल्टर सनलाइट हमको उसको देना है, ये देखिए, जिससे कि इसकी पत्तियां ना जले। और धीरे धीरे ये आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा और देखने में काफ़ी अच्छा लुक देगा, ये काफ़ी पॉश रॉयल लुक देता है हमारे घर में ये। तो इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा लगेगा, ये देखिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों।